हेलो फ्रेंड्स, सिरोटेक्स चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में आप लोग सीखेंगे कि कोरल ड्रॉ में किस तरीके से फ्यूजन पजल कैसे बना सकते हैं। इस क्लास में हम पेन बॉक्स बनाएंगे। स्पाइन बॉक्स के पार्ट्स अलग अलग कैसे बना सकते हैं, उसमें कैसे स्लॉटिंग करेंगे, कैसे मार्जिन सेट करेंगे, हर पार्ट को कैसे मेजर करना है एक्यूरेटली, ताकि जब हम कटिंग करें तो वो बाद में एकदम एक्यूरेट आके एक दूसरे के ऊपर बैठ जाए। ये सारी चीजें हम इस क्लास में सीखेंगे और लास्ट में आप देखेंगे कि इसमें कैसे इसकी असेंबली करनी है। एक वीडियो के थ्रू लास्ट में आप देखेंगे ये हर पार्ट कैसे जोड़ना है आपस में, ये भी आप इस क्लास में आपको ले। तो शुरू करते हैं। आज हम इस तरीके का एक पेन बॉक्स बनाना देखेंगे कि पेन बॉक्स किस तरीके से बनाते हैं। पेन बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि इसका साइज क्या है। तो हम साइज, इसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है और इसकी हाइट कितनी है, ये तीन साइज हमें यहाँ पे डिसाइड करने होंगे। उसके बाद से हम इसको बनाना शुरू करेंगे। साइज डिसाइड करने के लिए और इसके बाद में हम पहले इसकी चौड़ाई और लंबाई देखते हैं। चौड़ाई और लंबाई में इसकी 150 mm ले रहा हूँ। 150 mm 6 इंच के आसपास हो जाता है, तो 6 इंच सफिशियंट है। इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे इसके साइड में एक मार्जिन दिया हुआ है। वो मार्जिन इसमें दिया है जब हम इसको फंसाने के लिए स्लॉट बनाएंगे, तो स्लॉट बनाने पे ये वीक ना हो जाए, वहां से स्लॉट टूट ना जाए। इसके लिए हम यहाँ पे जरूरी मार्जिन देंगे, सफिशियंट मार्जिन देंगे, ताकि एमडीएफ जो है ये जैसे साइड से निकलेगा तो ये भी टूट ना जाए। तो हम इसका मार्जिन 6 mm ले लेते हैं। 6 mm लेने के बाद में अब आप देखेंगे 6 mm मैंने एक अंदर ऑफसेट ले लिया इसका, तो जो भी हम स्लॉट बनाएंगे अब वो 6 mm अंदर करके बनेंगे। इसके बाद में अब हमें इसकी हाइट डिसाइड करनी होगी कि हमें हाइट कितनी रखनी है। अब इसमें हाइट के तीन भी इसमें हाइट भी तीन साइज की है। अब आप देखिए, पहली जो हाइट है इसकी ये छोटी वाली है, इसमें आप देखेंगे पहली हाइट ये वाली है, दूसरी हाइट ये वाली है और तीसरी हाइट जो है ये जो नेक्स्ट इतनी लंबी आ रही है यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक, तीसरी हाइट है। तो हम सबसे छोटी वाली हाइट को लेंगे 40 mm, दूसरी वाली हाइट को लेंगे 80 mm और तीसरी वाली हाइट को लेंगे 120 mm। मैं सारी डायमेंशन एमएम में बना रहा हूँ, आप चाहें तो उसको इंचेस में बना सकते हैं अपने हिसाब से। एमएम में इसलिए बना रहा हूँ, ज्यादातर लोग एमएम यूज करते हैं, मशीन सी मशीन की हमारी ज्यादातर एमएम में चलती है, इसकी वजह से मैं इसको एमएम में बना। तो अब हमने हाइट डिसाइड कर ली है, बेस डिसाइड कर लिया है कि ये बेस कितना बड़ा होना चाहिए। तो पहले हमने इसका बेस बनाया है, ये नीचे का बेस का साइज रखा है हमने 150 mm बाय 150 mm। हाइट ये छोटे वाले की 40, इसकी बड़े वाले की 80 और पीछे वाले की 120 रखी। अब हमें बनाना कहाँ से शुरू करना है, सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फ्रंट साइड। फ्रंट साइड इसमें क्या चीज है, फ्रंट साइड है इसका ये वाला हिस्सा जो है इसका फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड में भी दो तीन पीस बनेंगे। फ्रंट साइड में पहला ये बनेगा, दूसरा ये पीस बनेगा और तीसरा जो इसके पीछे लग रहा है एंड में ये वाला बनेगा। तो हमें इसके तीन हिस्से बनाने, ठीक है। तो पहला वाला जो है वो अलग बनेगा, दूसरा वाला और पीछे वाला ये दोनों सेम साइज के बनेंगे। तो हमें इस साइड के ये तीन हिस्से बनाने हैं। आइए उदय, तो हमें इसकी ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई भी हमें 150 mm ही रखनी होगी, 150 mm। और हमारी दूसरी वाली हाइट थी 80 mm। तो हम एक रेक्टेंगल लेंगे जिसका साइज होगा 150 बाय 80 mm, 150 बाय 80 mm, ठीक है। ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया जिसको हम इसके सेंटर में कर देंगे इस तरीके से। इसको सेंटर में करने के बाद में अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है हाफ हाफ, ताकि ये आगे छोटा बॉक्स बने और ये बड़ा बॉक्स बने। तो हमें एक ये शेप बनानी होगी। आप शेप एक बार समझ लीजिए कि हमें किस तरीके की शेप बनानी है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरीके से हमें शेप बनानी है। वो शेप हम यहाँ पे बनाएंगे। हमने अभी एक रेक्टेंगल लिया है, रेक्टेंगल के बाद में अब हम इसको डिवाइड करेंगे 80 mm। यहाँ हमने सेंटर कर दिया और इस सेंटर की हाइट हमने इसको आधी कर दी। अब हमें क्या करना होगा,
ये वाला हिस्सा इसमें से ट्रिम करना है इस तरीके से। हमने एक पहला शेप बना लिया यहाँ का। अब हमें इसके पीछे का शेप बनाना है। पीछे वाले शेप में आप देखेंगे तो पीछे वाले शेप में यहाँ पे इसकी हाइट जो है ये 120 है और इसकी हाइट 80 है। तो सेम चीज हम इसमें भी यही करेंगे। इसके पीछे वाला जो हिस्सा बनेगा, पीछे वाले हिस्से में हमें क्या करना है, ये वाली हाइट 120 रखनी है और इस वाली हाइट को 80 करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 40 mm ऊपर करेंगे। यहाँ पे हम 40 mm का डायमीशन डालेंगे। 40 mm का डायमीशन डालने के बाद लोड एडिटिंग में जाके इसको 40 mm ऊपर करेंगे इस तरीके। तो अब आप देखेंगे इसकी टोटल हाइट हो गई 120 और ये छोटे वाली की हाइट आ जाएगी 80। ये देखिए इसकी हाइट आ गई 80। तो अब हमें दोनों पीस मिल गए हैं, ये वाले भी, ये सामने का भी मिल गया है, ये वाला सामना भी मिल गया है और ये वाला भी मिल गया है। तो बैक वाला भी इसी का सेम रहे। तो हमारे ये दोनों बन गए। एक कॉपी हम इसकी और बना लेंगे। हमने ये तीन साइड बना लिए, एक एक दो और एक ये तीन। ये तीनों साइड है हमने बना लिए। अब हमें ये वाली साइड बनानी है, ये वाली और ये वाली। तो ये वाली क्या होगी, इसी की मिरर होगी, हम इसको मिरर कर देंगे। ये हमने इसको मिरर कर दिया। अब मिरर करने के बाद में हमें ये देखना है कि बाहर वाले पीस कौन कौन से हैं। तो बाहर वाले जो पीस है इसमें, एक ये बाहर लगेगा और एक ये बाहर लगेगा, जो सबसे बाहर के हैं। ये दोनों बाहर के हैं। आप ये देखोगे यहाँ की हाइट 80 है, इधर की भी हाइट 80 है, यहाँ की हाइट 120 है और इधर की भी हाइट 120 है। तो हम क्या करेंगे, 120 हाइट वाला जो है सबसे बड़ा पीस जो है उसमें इंटरलॉकिंग बनेंगे। इंटरलॉकिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे मार्जिन दिया है 6 mm का। ये जो मार्जिन हमने दिया है यहाँ पे 6 mm का मार्जिन दिया है। तो हम इस मार्जिन का ध्यान रखेंगे। इस मार्जिन का ध्यान रखते हुए हम क्या करेंगे, एक गाइडलाइन लेंगे। उनको थोड़े से दूरी बना लेता हूँ, गैप बना लेता हूँ। यहाँ से मैं गाइडलाइन ले लेता हूँ और एक गाइडलाइन यहाँ पे ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 6 mm डाल रखा है डिस्टेंस, तो 6-6 mm इसको अंदर कर देंगे इस तरीके से। 6 mm इधर अंदर कर दिया मैंने, इसको 6 mm इधर अंदर कर दिया। अब एक गाइडलाइन लेंगे इसके सेंटर में, ये इसका मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ तक एक गाइडलाइन लेंगे। अब हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो कि स्लॉट होगी, इसमें हमें स्लॉटिंग करनी है। स्लॉटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे और ये रेक्टेंगल की चौड़ाई हम उतनी रखेंगे जो हमारे मटेरियल की थिकनेस है। मैं यहाँ पर 4 mm ले लेता हूँ। 4 mm मटेरियल की थिकनेस लेके मैं डिजाइन को बनाता हूँ। 4 mm की थिकनेस के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से एक स्लॉट लूंगा, 4 mm का गैप दूंगा इसको, 4 mm चौड़ा रखा मैंने इसको और इसके हाफ तक ले लिया। हाफ तक लेने के बाद में ठीक इसी तरीके से इस रेक्टेंगल को उठाऊंगा मैं यहाँ पे और इसके ऊपर की साइड रखूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो इंटरलॉकिंग होती है हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। अगर यहाँ नीचे की साइड है तो इधर की साइड ऊपर की साइड होना चाहिए और ये जो लास्ट पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट दोनों बराबर होने चाहिए, वरना आपका पीस सही नहीं बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको सिलेक्ट करके इसमें से ट्रिम कर दूंगा। ये मैंने इसमें से ट्रिम कर दिया और ये वाले स्लॉट पकड़ के इसमें से ट्रिम कर दिया। अब आप देखेंगे इसके अंदर स्लॉट बन गया है ये वाला, और इसके अंदर से भी ये स्लॉट बन गया इस तरीके। और जब आप इसको फंसाएंगे, मैं इसमें कलर फिल करके दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब आप इससे समझ जाएंगे ये पीस जब आपस में इंटरलॉक होगा तो किस तरीके से होगा। जब हम इसको फंसाएंगे इस तरीके से एक दूसरे के अंदर ये फंसना चाहिए और दोनों बराबर आने चाहिए इस तरीके से। हम इसकी इंटरलॉकिंग करेंगे, आप देखेंगे इसका ये पीस इसके बराबर और इसका ये पीस इसके बराबर है। इसी तरीके से हम इसमें भी कलर फिल कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब हमने इंटरलॉकिंग इधर की बना ली। अब हमें क्या देखना है, अभी ये अभी पीछे से फंस रहा है, ठीक है। ये पीछे वाले दोनों जो मिलने वाले हिस्से थे ये दोनों मिल गए हैं, इसकी इंटरलॉकिंग हमने बना दी। अब हम देखेंगे ये बीच वाले हिस्से जो है, इसके बीच वाले हिस्सों में क्या करना होगा। एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा जो आगे का है यही बीच में जा रहा है, और ये भी आप यहाँ से देखेंगे तो ये भी इधर से भी बीच में है।
यहाँ पे भी बीच में है। ये हिस्सा भी बीच है, ये हिस्सा बीच का है, और एक ये हिस्सा बीच का है। ये दोनों बीच के जो हिस्से हैं, अब इनकी स्लॉटिंग करेंगे हम। वो कैसे करेंगे आइए देखो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी सेंटर की तो हमने स्लॉटिंग कर दी है। अब क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है वो ये वाले पीस है, ये दोनों बीच के पीस, वो आके देखो यहाँ बीच में इसके फंसेंगे, बड़े वाले पीस के यहाँ बीच में फंसेंगे। इसकी जो योगी आखिरी वाली ये यहाँ पे आएगी, ये इसमें आगे फंसेंगे, तो हम इसके हिसाब से बनाएंगे। हमने इसका मिड पॉइंट लिया था, अब हम इसका भी मिड पॉइंट लेंगे इस तरीके से। इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, इसी स्लॉट को सेम इसी तरीके से कट करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको रखा है यहाँ पे, और इसमें क्या है, इसमें दोनों ही ऊपर की साइड से डलेंगे, तो इसमें जो स्लॉट होगी दोनों ऊपर की साइड से ही रहेंगे। तो अंदर वाले पीसों में तो नीचे की साइड रहेगी, और पीछे वाले पीसों में जो बाहर के पीस है उनमें ऊपर की साइड रहेगी, और जो अंदर वाले पीस है उनमें नीचे की साइड रहेगी। तो अभी जो हम अंदर वाले पीस बना रहे हैं इनमें हम दोनों नीचे की साइड रखते हैं इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर से ये ट्रिम कर देती हूँ, इस तरीके से मैंने इसमें से ट्रिम कर दिया, और इसमें से भी ट्रिम कर दिया। ये दोनों स्लॉट नीचे से हो गए, अब हम सेम चीज इसमें ऊपर की साइड से करेंगे। ऊपर की साइड करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का सेंटर लेंगे, कि जो भी हमारी स्लॉट आएगी वो इस रेक्टेंगल के सेंटर में आएगी। हमें क्या करना है, ये जो रेक्टेंगल है हमें इसके सेंटर में रखना है इस तरीके से। हम इसको सेंटर में रखेंगे, और यहाँ पे भी इसके सेंटर में ही रखेंगे रेक्टेंगल के, यहाँ इसके सेंटर पे यहाँ से रखेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी सेंटर मिलेगा नहीं, पहले हम इसको बना लेते हैं, फिर से ट्रिम किया इस तरीके से। ये हमने इसके सेंटर में बना दिया, अब हमें इसका सेंटर लेना है। हम क्या करेंगे, सेंटर लेने के लिए इसका रेफरेंस ले लेंगे। इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल बनाया, और इस रेक्टेंगल को हम यहाँ पे रखेंगे ताकि हमें इसका रेफरेंस मिल जाए, और इसको फिर इसके सेंटर पे रखेंगे ऐसे। यहाँ पर उसी बनाएंगे, और इससे मिला उसका सेंटर मिल जाएगा। अब हम इसको भी यहाँ से ट्रिम कर देंगे, इस तरीके से हमने इसको भी ट्रिम कर दिया। अब ये जो बड़े वाले पीस है बाहर के, ये वाले पीस आके इसमें फंसेंगे यहाँ पे, इस तरीके से आके फंसेंगे। जब आप इसको मिलाएंगे यहाँ पर ले जाके इसके ऊपर रखेंगे, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, आपस में फंस जाएंगे। ठीक है, मैं इसको ऊपर करके दिखा दूंगा, ये इसके ऊपर आके ऐसे फंसेगा। तो हमने इसके हिसाब से यहाँ पे स्लॉटिंग करी है। स्लॉटिंग करने के बाद में ये वाले पीस यहाँ पीछे से तो फंस गए, अभी ये आपस में भी अंदर से भी फंसेंगे। आपस में अंदर से फंसेंगे तो इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसके लिए इसमें एक स्लॉट ऊपर से कटेगी और एक स्लॉट नीचे से कटेगी। अब हम इसके सेंटर से इसको काटेंगे, एक स्लॉट ऊपर से और एक स्लॉट नीचे से। इसके लिए कैसे करेंगे, वही मैं इसको सेंटर लाइन रखूंगा, यहाँ सेंटर से रखूंगा इसको, इस तरीके से इसमें ट्रिम कर दूंगा। ये सेंटर से मैंने इसको कट कर दिया, और मैं यहाँ से रेफरेंस ले लूंगा इसका रेक्टेंगल का, ताकि उधर पे मेरे को दिक्कत ना हो। इधर साइड पे मैं इसको कोने पे रखूंगा, कोने पे रख के फिर इसको यहाँ से सेंटर लेके इसका रेफरेंस लेके यहाँ से कट कर दूंगा इस तरीके से। हमें इसको भी इसको, लेकिन हमें इसको नीचे से ट्रिम करना है, उधर वाला हमने ऊपर से ट्रिम किया है, तो इसको हम नीचे से ट्रिम करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ ताकि हमारा रेफरेंस खराब ना हो। यहाँ इसको मैं ऊपर से मिला लेता हूँ जैसे लाइन से, और इसको यहाँ कोने से मिला लूंगा ताकि हमारा रेफरेंस खराब ना हो। अब मैं इसको यहाँ से इस तरीके से ट्रिम करूंगा।
अब आप देखेंगे इसमें ये दोनों ट्रिम नीचे से, इसमें दोनों स्लॉट नीचे की तरफ से ट्रिम हो गए। अब यहाँ पे एक स्लॉट नीचे की साइड है और एक स्लॉट ऊपर की साइड। अब क्या होगा, ये जो है हिस्सा ये आगे यहाँ सेंटर में इसमें बीच में फंसना है इस तरीके से, ये इसके बीच में फंसेगा। आप यहाँ देखेंगे तो ये दोनों, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों आपस में ऐसे बीच में फंस गए। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसके सेंटर में एक ऊपर से स्लॉट बनाएंगे और एक नीचे से स्लॉट बनाएंगे ताकि ये आपस में ऐसे फंस जाए। अब इसके बाद आप देखेंगे इस वाले में ही आगे की साइड भी ये छोटे वाला हिस्सा फंस रहा है, इसमें छोटे वाले जो सबसे आगे का पीस है ये भी आके फंस रहा है, इस बीच वाले में भी फंस रहा है और तो पीछे वाले में भी फंस रहा है, दोनों में फंस रहा है ना। और ये वाला जो है इधर वाला, इसमें भी ये वाला पीस फंस रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, ऊपर वाले में भी बाहर की तरफ से स्लॉट बनाना है, इसमें भी बाहर की तरफ एक स्लॉट बनेगा और इसमें भी ऊपर की तरफ एक स्लॉट बनेगा, तो तीनों में तीन तीन स्लॉट बनेंगे। अभी क्या होगा, ये इसमें फंस गया, उसके बाद में ये इधर इधर आके फंस जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे के अंदर फंस जाएंगे इस तरीके से। तो हमने इसके भी दो दो, दो स्लॉट हो गए, इसके भी दो दो स्लॉट हो गए, इसके भी दो दो स्लॉट हो गए। अब ये जो छोटे वाला हिस्सा है, छोटे वाला हिस्सा जो इसमें पीछे का हिस्सा है, ये जाके फंसेगा बाहर वाले पीस में, इन जो बाहर के पीस है इनमें फंसेगा। तो हमें क्या करना है, ये दोनों पीस जो है बाहर के, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये बाहर की तरफ से ऊपर से आके डलेंगे। तो हमें क्या करना है, जो बाहर वाले पीस होंगे इधर के बड़े वाले पीस, इनमें जो स्लॉट कटेंगे दोनों ऊपर की साइड कटेंगे, और ये जो छोटे वाले पीस है इनमें जो स्लॉट कटेंगे ये दोनों नीचे की साइड कटेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने 6 mm का मार्जिन दे रखा है वो हम मार्जिन ले लेंगे, इधर इधर भी मार्जिन ले लेंगे, 6-6 mm दोनों तरफ से मार्जिन ले लेंगे, इसका 6-6 mm मार्जिन ले लेंगे। और यहाँ पे जो हम स्लॉट काटेंगे वो काटेंगे इसके सेंटर से। तो हमने इसके मिड पॉइंट पे एक गाइडलाइन ले ली है, गाइडलाइन लेने के बाद में अब हमें ये पॉइंट मिल गया है, अब हम इस पॉइंट के थ्रू इसको कट करेंगे क्रॉप को। यहाँ पे एक मैंने रख दिया और एक मैंने यहाँ पर रख दिया इस तरीके से। अब मैं इसमें से एक स्लॉट कट कर दूंगा, एक स्लॉट इसमें से कट कर दूंगा। ये आप देखेंगे ये दोनों नीचे की साइड कट गई है, और जब बाहर वाले पीस होंगे इनमें जो हम स्लॉट काटेंगे ये ऊपर की साइड काटेंगे, लेकिन हमें ये रेफरेंस देकर इसके काटना है ताकि ये आपस में मैच बराबर हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी बेस मिला देंगे पहले इस तरीके से। बेस मिलाने के बाद में इसका गाइडलाइन लेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी सेम वैसी मार्जिन लेंगे जो 6 mm का मार्जिन हमने दे रखा है, इस तरीके से हम मार्जिन ले लेंगे और इस रेक्टेंगल को लेके हम स्लॉट कटिंग कर लेंगे जो हमने रेक्टेंगल बना रखा है रेफरेंस के लिए मटेरियल की थिकनेस से। यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से, इसको ट्रिम कर देंगे। ये देखिए अब क्या होगा, ये आके इस तरीके से इसमें फंस जाएगा और बराबर बैठेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे, इसमें भी दोनों जो पीस कटेंगे वो ऊपर की साइड ही कटेंगे ऐसे। अब हम इसको ट्रिम करेंगे, आप देखेंगे इसमें ऊपर की साइड हो गया, इसमें नीचे की साइड हो गया। ये हम लेट कर देते हैं, इसमें हमारे तीनों स्लॉट कंप्लीट हो गए। अभी इसमें इसके स्लॉट बनाने और इसके स्लॉट बनाने। अब हमें क्या देखना है, ये जो छोटा वाला पीस है ये बीच वाले पीस के अंदर आके फंसेगा, ये भी इसमें भी ऊपर की साइड से डलेगा, क्योंकि पहले बाहर वाले पीस फंसेंगे, फिर ये वाले पीस फंसेंगे, फिर ये वाले पीस फंसेंगे। तो क्या होगा, जो बीच वाले पीस है इनमें दोनों ऊपर की साइड स्लॉट कटेंगे और इसमें जो स्लॉट कटेंगे वो दोनों नीचे की साइड स्लॉट कटेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्लॉट काटने हैं हमें दोनों ऊपर की साइड काटने, उससे पहले हम इसके बीच में स्लॉट काटेंगे जो कि नीचे की साइड से कटने, तो नीचे की साइड से कटने, तो हम पहले इसको नीचे की साइड से काटेंगे। हम यहाँ पे सेंटर लेंगे इसका रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का सेंटर है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें जो स्लॉट बनाएंगे वो स्लॉट बनाएंगे इसके सेंटर से, छोटे वाले हिस्से के सेंटर से।
अगर हम इसको ऊपर तक लेंगे तो ये तो टूट जाएगा, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। हम जो सेंटर बनाएंगे इसके सेंटर से बनाएंगे, और हम अब स्लॉट को रखेंगे इसके सेंटर में, यहाँ से ट्रिम कर देंगे। इस तरीके से मैंने ट्रिम कर दिया। अब इसका यहाँ पे एग्जैक्ट रेफरेंस लेने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो इसकी सेंटर लाइन आ रही है यहाँ से ले लेंगे इसको, रेक्टेंगल को इसके सेंटर में रखेंगे ऐसे। यहाँ सेंटर में रखने के बाद में हम इसको ट्रिम कर देंगे। इस तरीके से मैंने ट्रिम कर दिया। अब ट्रिम करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ये लाइन देख रहे हैं ये इसके सेंटर में आ रही है, आप इसको क्या करेंगे बाहर की तरफ बढ़ा के इसके बराबर कर देंगे, ताकि जब हम ये मैच कराएं तो ये एकदम जो स्लॉट के अंदर आएगा तो स्लॉट के बीचों बीच ना आए, एकदम बाहर से मैच हो जाए। तो हम क्या करेंगे इसको बाहर की तरफ मैच कराएंगे इस तरीके से, तो ड्रैग करके हम इसको आगे कर दिया। तो आप देखेंगे ये जो ये वाला स्लॉट का साइज है इससे मैच होगी। ठीक इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे, बाहर वाली स्लॉट का जो बाहर वाला साइज है इसका स्लॉट का, इससे हम इसको मैच करा देंगे। तरीके से हमने इसको बाहर बाहर से मैच करा दिया। अब जो इसके अंदर फंसेगा ये इसके अंदर आके फंसेगा तो एकदम बराबर बैठेगा। इन वाले स्लॉट के अंदर भी हम यही करेंगे, जो भी स्लॉट नीचे की साइड है जैसे ये वाला स्लॉट नीचे की साइड है ये भी आके इसके अंदर फंसेगा, तो हम क्या करेंगे इसको बाहर वाले से मैच करा देंगे, ताकि जब हम इसको फिक्स करें आपस में तो कोई गैप ना नजर आए। इस तरीके से मैंने इसको मैच करा दिया बाहर बाहर से। जब हम इसको इसके अंदर फंसाएंगे तो ये बाहर वाले फेस पे आके इससे मैच हो जाएगा, मिल जाए। अब ये जो स्लॉट स्लॉट हमने इसमें बीच में बनाए हैं वो हम इसके बाहर बनाने हैं, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे सेम इसी का रेफरेंस लेंगे, पहले इसको बेस बेस इन दोनों की मिला देंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम इसका बेस मिला देंगे, बेस मिलाने के बाद हम यहाँ पे इसकी गाइडलाइन लेंगे ऐसे सेंटर से। अब यहाँ पे हम स्लॉट बनाएंगे तरीके से, मैं इसमें कट करूंगा। क्या होगा जब हम इसको इसके अंदर बैठाएंगे ऐसे, इसके अंदर जब बैठेगा ये तो एकदम बराबर बैठेगा और आपस में फंसेगा नहीं। ठीक इसी तरीके से अब हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ की साइड से भी हम इसमें ऐसे ऊपर की साइड स्लॉट काट देंगे। ये मेरे टूल कर दिया यहाँ से, क्या होगा ये दोनों पीस जो है इसमें आके फंसेंगी जाके बैठ जाएंगे। जैसे ये अब इसको उठा के दिखाता हूँ मैं, ये भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके इसमें बैठ जाएंगे ऐसे, बराबर बैठेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी पर फंसेंगे। अब क्या होगा, अब इसके भी तीन स्लॉट हो गए, इसके तीन बाकी है। अब इसका लास्ट वाला जो स्लॉट है, ये जो स्लॉट है ये आपस में दोनों इंटरलॉक होंगे। ये जो पीस है ये आगे आके ये देखिए छोटे वाले पीस आपस में आगे इंटरलॉक हो रहे हैं, ये एक दूसरे में ही फंस गए। अब इसमें क्या होगा, एक स्लॉट नीचे की साइड बनेगी और एक स्लॉट ऊपर की साइड बनेगी। तो हमने जो 6 mm का मार्जिन छोड़ रखा है वो मार्जिन छोड़ के हम स्लॉट बनाएंगे। एक स्लॉट हम यहाँ नीचे की साइड बनाएंगे इसमें, और यहाँ पे हम जो स्लॉट बनाएंगे वो ऊपर की साइड बनेंगे यहाँ की साइड। इस तरीके से अब हम इसको ट्रिम कर देंगे। ये हमने ट्रिम कर दिया इसमें इस तरीके से। अब ये सारे जो रेफरेंस हैं हम इनको डिलीट कर देते हैं, गाइडलाइन भी सारे डिलीट कर देते हैं, अब इनकी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारे फैन बॉक्स का ये डिजाइन बन गया है। जब आप इसको मिलाएंगे तो ये दोनों आपस में इस तरीके से मिल जाएंगे ऐसे, और ये दोनों जो है ये आपस में सेंटर में मिलेंगे इस तरीके से यहाँ पे, और ये दोनों जो है ये आपस में लास्ट लास्ट वाली पॉइंट पे मिलेंगे इस तरीके से। आप देखेंगे सब बराबर एक दूसरे में बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। अभी तो स्लॉट बनने के बाद में हम इसमें डिजाइन बनाना है इस तरीके से जाली। अब हम क्या करेंगे इसमें जाली बनाने के लिए हम पहले इसका साइज निकालेंगे कि हमें ये साइज कितना रखना है।
यहाँ से यहाँ तक हम डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ से 6 mm छोड़ना है और यहाँ से भी 6 mm छोड़ना है। दोनों को 6 6 mm छोटा करेंगे तो क्या होगा, 6 mm छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल कर देंगे इसको 6 mm अंदर की साइड इस तरीके से। तो हमारे पास ये डिजाइन का साइज आ गया, इसके अंदर हमें जाली बनानी होगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ का भी हम साइज ले लेते हैं, इसके अंदर जो हमें डिजाइन बनाना होगा वो हमें इसके साइड इसके हिसाब से बनाना होगा, स्लॉट के हिसाब से। अब इसके अंदर भी हम 6 mm कंट्रोल कर देंगे इस तरीके से, अभी हम ऐसे ही रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको बनाएंगे, सच में 6 mm का अंदर ऑफसेट दे देंगे यहाँ पे इस तरीके से जाली बन जाएगी, और यहाँ पे इसके अंदर जाली बनेगी। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, इस तरीके से हम ये सारे साइज निकाल लेंगे जिसके अंदर हमें जाली बनानी है। ये जो अंदर वाला हिस्सा है हम जाली इसके अंदर जो भी जाली का डिजाइन डालेंगे वो हम इसके अंदर डालेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये बिल्कुल नीचे तक है, बट हमें इसको नीचे तक नहीं लेना, हम इसको यहाँ तक सेंटर तक देखेंगे इसको, क्योंकि वो तो छोटी जाली है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया है, ये इसको हम इतना बड़ा नहीं रखेंगे वरना क्या होगा, वो इसके अंदर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 47 mm तक ही लेंगे, इसका जो बाहर का सेंटर है हम इसके बाहर का सेंटर ले लेते गाइडलाइन यहाँ तक। तो हम जो डिजाइन जाली बनाएंगे, जाली की डिजाइन बनाएंगे वो इसके सेंटर तक बनाएंगे इस तरीके से, इसमें भी हम यहाँ तक ही लेंगे। और इसमें भी हम इस तरीके से जाली बनाएंगे, 6 mm मार्जिन छोड़ के लिए। अब यहाँ पे ये जो स्लॉट है हम इसके इसके मार्जिन के हिसाब से बनाना है। अब हम इसमें इस तरीके से अंदर देखेंगे, ठीक इसमें भी ऐसे करेंगे। ये हमने जालियों का साइज निकाल दिया, ये जो भी हमारी जाली बनेगी इन बॉक्सेस के अंदर हमें बनानी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक पैटर्न डिजाइन बनाते हैं। तो मैं इसी तरीके का एक जिगजैग वाला पैटर्न डिजाइन बना लेता हूँ। आप इसके अंदर कोई भी साइज की जाली रख सकते हैं, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि इसमें हम कौन सी डिजाइन रख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तरीके से मैंने सारे बॉक्सेस बना लिए जाने के। अब मैं इसके अंदर जिगजैग वाली जाली डाल देता हूँ। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। लंबा करने के बाद में हम यहाँ पे इसको ऑफसेट देंगे पूरा भी इस तरीके से, इसको हम सबसे बाहर तक लेके जाएंगे। यहाँ पर बाहर आ गए, अब इसकी कॉपी बनाएंगे इस तरीके से, कई सारी कॉपी बना दूंगी ज्यादा हो जाए। इसी के मार्जिन की हमें कॉपी रख लेंगे यहाँ पे, तरीके से मैंने बहुत सारी कॉपी बना ली, ऐसे मैंने कॉपी बना ली इसको। कॉपी बनाने के बाद मैं ये लाइन डिलीट करता हूँ, यहाँ से ये लाइन डिलीट करता हूँ। लाइन डिलीट करने के बाद में ये जितनी भी जिगजैग वाली लाइन है उसको ले लेंगे हम कॉपी करके बाहर, ऐसे बाहर ले लिया। बाहर लेने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके इसी का मिरर कर देंगे सेंटर से। मिरर से सेंटर करने के बाद में क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से वेल्ड कर देंगे इस तरीके से। वेल्ड करने के बाद बाहर वाला सब निकाल देंगे और इसको ले जाएंगे, कंबाइन करेंगे इसको
कंबाइन करने के बाद में हम स्ट्रक्चर के ऊपर लिखे जाएंगे। ऐसे ट्रिम करते हैं, इंटरसेक्ट करके इसमें जाली सेट कर सकते हैं, पहले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, स्क्रीन छोटी हो रही हो। अभी सारा कवर हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इंटरसेक्ट कर लेंगे, रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखोगे यहाँ पे ये जाली बन गई। क्या करेंगे हम ये रेक्टेंगल हटा देंगे, इसी तरीके से हम बाकी सब में भी जाली बना लेंगे। मैं सबके अंदर जाली बना लेता हूँ। वैसे आप इस जाली की जगह पे कोई और भी डिजाइन रख सकते हैं, ये बस मैं एक आपको दिखा रहा हूँ डिजाइन बना के, तो हम डिजाइन रख सकते हैं। ये जो हमने एरिया निकाला है, कि एरिया हम इस एरिया के अंदर हम कोई भी डिजाइन रख सकते हैं। अब बाकी ये हम ये हटा देंगे बाहर के आउटलाइन। तो आप देखेंगे अभी हमारी जाली बन गई है। अच्छा ये नीचे का भी रह गया था। अभी हम बाहर के आउटलाइन जो है इसको डिलीट कर देंगे इस तरीके से। अब आप देखेंगे ये सारी जाली बन गई है। हम इनको क्या करेंगे, एक एक करके सबको कंबाइन कर देंगे ताकि हम ये जाली अंदर में आ जाए। ये मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके कंबाइन कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ये जालियां इसके अंदर बन गई इस तरीके से। अभी इसमें एक काम और रह गया, अब वो काम क्या रह गया है, अब हम इसके अंदर ये तो हम इसको आपस में फिक्स करने के लिए हमने इसको स्लॉट बनाया। अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें इस बेस के अंदर भी कुछ तो स्लॉट बनाने होंगे ताकि ये आके इसमें अपनी जगह पे बराबर बैठ सके। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ सेंटर लाइन लेंगे, जो हमारा थिकनेस है 4 mm का, 4 mm बाय 10 mm का हम एक स्लॉट बनाएंगे। यहाँ 4 mm देंगे और हाइट इसकी देंगे 10 mm। 10 mm देने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ सेंटर में रखेंगे इस तरीके से। सेंटर में रखने के बाद में हम इसको कम से कम 15 mm अंदर कर देंगे। ये मैंने 15 mm इसको ऐसे अंदर कर दिया। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर भी लेंगे और इसको भी यहाँ से 15 mm अंदर कर देंगे। ऐसे ही हम इसको हॉरिजॉन्टल में बनाएंगे। यहाँ भी मैंने इसको 15 mm अंदर कर दिया और यहाँ से भी लेंगे इसको 15 mm अंदर। इस तरीके से हमारे ये 4 स्लॉट बन गए हैं। अब क्या करना है, हम ये जो बाहर वाले पीस हैं जो बाहर लग रहे हैं, 1 2 और ये 3 और 1 4 जो आउटर आउटर हैं, इनके लिए भी हम स्लॉट बनाएंगे। इनके लिए हम स्लॉट किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ कोने पे रखेंगे इसको इस तरीके से और इसको भी यहाँ से 15 mm अंदर करेंगे। यहाँ नीचे रखेंगे, यहाँ से भी 15 mm अंदर। ठीक इसी तरीके से इन दोनों को कॉपी करेंगे और यहाँ सामने लाके रखेंगे। दोनों साइड हो गया हमारे, तो ऐसा करते हैं 15 mm और अंदर कर देते हैं। ऐसे भी ठीक है। अब इसको हॉरिजॉन्टल वाले को भी लेंगे ऐसे। तो भी यहाँ से ऐसे लेंगे, दोनों को कॉपी करके यहाँ नीचे मिला दी इस तरीके। तो आप देखेंगे ये हमारे बाहर के लिए भी स्लॉट बन गए हैं और अंदर के लिए भी स्लॉट बन गए। आप क्या करेंगे, ये वाले जो स्लॉट है ये हमें इनके अंदर भी बनाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठाएंगे, इसके नीचे लगा देंगे इस तरीके से, इसके नीचे भी लगा देंगे। उठाया इसके नीचे लगा दिया,
है ऐसे नीचे निकाल, ये हो गया। अब यही चीज हमें इसके अंदर भी करनी है। इसके अंदर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंटर का रेफरेंस है यही सेंटर का रेफरेंस हम देंगे। इस तरीके से हम इसको मिरर कर देंगे यहाँ पे, तो इसको बाहर बाहर से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा जिस पोजीशन पे वो है। इस तरीके से करने के बाद में हम इसको ऊपर वाले में भी मिला देंगे। तो अब हमारे सारे इसमें स्लॉट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको मर्ज कर देंगे। ये देखिए मैट कर दिया, इसको उसके साथ मैट कर दिया, तो उसके साथ मेट कर दिया, उसके साथ मेट कर दिया। इस तरीके से मेट करने के बाद में आप देखेंगे इन सबके नीचे स्लॉट बन गया है, और ये स्लॉट अब इसमें आके आराम से फंस जाएगा। आप देखेंगे इसको, ये बाहर बाहर का ये छोटा वाला पीस है, जब आप इसको बाहर लगाएंगे ये देखिए आपका स्लॉट एकदम इसके अंदर बराबर बैठ। चाहे तो आप इसको मिरर करके लगाइए, चाहे आप इसको इस तरीके से लगाइए, लेकिन आपका ये स्लॉट है एकदम बराबर बैठेगा। और आप देखेंगे जब दूसरे पीस का बैठेगा तो दिखेंगे ये दूसरे पीस भी स्लॉट के अंदर ही आ रहे, तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, स्लॉट एकदम आपके एक्यूरेट बैठे। आप क्या करेंगे, आप ये बाहर वाला आउटर रेक्टेंगल हटा देंगे और इसको हम थोड़ा सा राउंड दे देंगे, ताकि जो हमारे कॉर्नर है वो राउंड हो जाए। 5 अभी का रेडियस है, तो अब आप इसको इस तरीके से कंबाइन करके और ये कलर कर दीजिए। तो आप देखेंगे इस तरीके से हमारा ये पेन बॉक्स रेडी हो गया। पेन बॉक्स रेडी होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको नेस्टिंग कर देंगे। नेस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बड़े वाले को छोटे वाले से मिलाते हैं ऐसे। पहले इसकी कॉपी बना लेते हैं, इधर कॉपी बनाने के बाद में अब हम इसकी नेस्टिंग कर लेंगे आपस में। तो बड़े वाले को ऐसे रोटेट करके इसी के ऊपर बैठा देते हैं, ये लेकिन इसमें सही बैठ नहीं रहा था, तो हम इसको इस तरीके से इसको ऐसे बैठाते हैं, तीन तीन आंटों को मार देंगे। देखिए ये बैठ गया, इसको भी यहाँ पे बिठा देते हैं रोटेट करके। इस तरीके से हमने इसकी नेस्टिंग कर लिए। अब आप इसको लेजर पे कटिंग कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लोर करते हुए आप इसको कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे Facebook पेज को लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए दोस्तों में। अगर आपको CorelDRAW चलाना नहीं आता है तो आप CorelDRAW सीख सकते हैं, मैं लाइव क्लासेस देके CorelDRAW सिखाता हूँ, तो आप लोग मेरी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये डिज़ाइन चाहिए है तो डिज़ाइन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने के लिए डेस्कटॉप लेंगे, डेस्कटॉप यहाँ पे पेन बॉक्स दे देंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ऑटोकैड 200 भी लेना है, यहाँ पे लिमिट रखते हैं। आप देखेंगे यहाँ डेस्कटॉप पे पेन बॉक्स यहाँ पे फाइल आ गई। अब आप इसको किसी भी तरीके से सीओ के लेजर पे चला, चाहे सीओ के लेजर पे यूज कर सकते हैं या फिर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये पेन बॉक्स का डिजाइन हम बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको समझ में आया होगा।